सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या अहंकार बुरा है? हाँ बुरा है, तो पर सही कब है? देखिए, हर चीज तब गलत हो जाती है जब उसका उपयोग गलत होता है, और हर चीज सही तब हो जाती है जब उसका उपयोग सही होता है। आप जहां से निकलने वाले हो वहां सुई गड़ा के कोई रख दे आधी, और आप जाएं तो वो आपके पांव में क्या होगी? चुभ जाएगी। अब देखिए, गलत उपयोग किया, किसी ने गाड़ दिया आपके रास्ते में, चुभ गई। अब वो घर में होती और आपके यहां बटन टूट गई होती और ये कोई फट गया होता तो आप तुरंत सिल लेते। उसका उपयोग एक्चुअली सिलने का है, पर कोई जमीन में गाड़ के रख दे तो चुभ भी जाती है। सावधानी से आप सिलाई ना करें तो हाथ में भी चुभ जाती है। उसका मकसद चुभना नहीं है, उसका मकसद तो सिलना है, जोड़ना है, पर उपयोग आप सावधानी से नहीं करते तो चुभ भी जाती है। बिजली का काम प्रकाश देना है, पर उपयोग गलत करेंगे, कोई बिजली का तार पकड़ ले तो मर भी जाता। ऐसे ही अहंकार सही कहां है? अहंकार आपको होना चाहिए। किस बात का? हनुमान जी को अहंकार था, राम दूत मैं मां तू जानकी, मैं राम का दूत हूं। मैं कौन हूं? भगवान का, मैं भगवान के चरणों का दास हूं। कोई आपसे कहे आप कौन हैं, कह दीजिए मैं भगवान के चरणों की धूल हूं। यही आपका अहंकार है, ये अहंकार अच्छा है। अब आप कहें मैं फलाना हूं, फलाना राजा हूं, यहां का ये हूं, यहां का वो हूं, ये हूं, ये अहंकार मैं ये अहंकार है। अहंकार सही हो तो सब सही है। भगवान के लिए अहंकार ठीक भी है। अहंकार की उत्पत्ति दूसरी, ब्रह्मा जी ने बनाया अहंकार को, और आप और हम में ताकत नहीं है कि ब्रह्मा की बनाई अहंकार की सृष्टि को हम खत्म कर सकें। अहंकार हमारा कभी जाएगा नहीं। परंतु एक बात बताएं, डायबिटीज किसी को हो जाए, गैस की प्रॉब्लम और शुगर बढ़ जाए, तो ये जो बीमारियां हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं ये कभी खत्म नहीं होती, इनको दवाई लेते रहने से कंट्रोल रहती है। दवाई लेते रहने से क्या रहती है? कंट्रोल रहती है। उसी प्रकार अहंकार कभी मिटता नहीं है, पर कथा की बूटी लेते रहोगे, कथा निरंतर सुनते रहोगे तो अहंकार कंट्रोल में बना रहेगा, नहीं तो ये अहंकार पर चढ़ जाता। अरे मैं यूं, मैं वो। कई लोग ऐसे चलते ना, सीधे, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो अकड़ जाते हैं। इनको पता ही नहीं कि बेचारे जबरदस्ती ही अकड़ रहे हैं इनके जैसे। अच्छा, जब आपको ज्यादा अहंकार आया करे ना, तो शमशान की दो परिक्रमा लगा लिया करो। हाँ, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हम आपसे। अहंकार की वृद्धि जब हो जाए तो शमशान की परिक्रमा इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि शमशान इन्हीं लोगों से भरा पड़ा है। शमशान उन्हीं लोगों से भरा पड़ा है जो कहा करते थे हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। आज बेचारे राख बन बन के उड़ रहे हैं। एक हड्डी यहां जा रही है, एक हड्डी यहां जा रही है। शमशान भरा पड़ा है। आजकल तो शमशान भी पक्के बन गए। पहले तो शमशान कच्चे हुआ करते थे, तो बच्चे जब हड्डियां समेटने आते थे ना पिताजी की, दादाजी की, कुछ रह जाती थी, कुछ रह जाती थी, तो फिर हम लोग उसमें गिल्ली डंडा खेलते थे। हम जब छोटे थे ना, तो गैया चराने जाते थे तो शमशान में ज्यादा जगह थी गैया चराने की, क्योंकि बाकी जगह लोग कब्जा कर लेते थे, पर शमशान की तरफ थोड़ा डरते थे, भूत है, तो वो थोड़ी जगह बची थी तो गैया वहीं चरती थी ज्यादा, क्योंकि वहां घास ज्यादा थी, बड़ा शमशान था तो हम लोग वहीं जाते थे। पहले कच्चे शमशान थे तो जो कुछ हड्डियां बच जाती थी, पर हम लोग गिल्ली डंडा खेल, बच्चे थे, हड्डी यहाँ की बच जाए तो टेढ़ी हड्डी होती कहीं कहीं ऐसे, तो उसको गिल्ली बना लेते थे और गिल्ली डंडा से खेलते। तो देखो,
शमशान की परिक्रमा लगाने का यह फायदा है कि आपको अपनी औकात के बारे में पता चल जाएगा। आदमी जब अपनी औकात भूल जाता है ना, तो ही तो अहंकार करता। अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी हड्डियां भी एक दिन बिखर जाएंगी और हमारी चमड़ी भी मोमबत्ती की तरफ पिघल जाएगी। मोमबत्ती की तरफ पिघल जाती है। इसलिए अहंकार नहीं, अहंकार सदुपयोग के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं। तीसरी सृष्टि